Everyone, this is your second part of the essay My Hobby. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माई हॉबी, हमने कौन सी हॉबी के बारे में पढ़ रहे थे, हम नेट सर्फिंग के मीन्स हमें उससे क्या क्या फायदे होते हैं, क्यों नेट सर्फिंग चूज की थी. आई एम ऑलवेज ईगर टू एक्वायर न्यू नॉलेज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन द इंटरनेट टू सेटिस्फाई माई क्यूरियोसिटीज. मीन्स मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, बहुत ईगर वेट करता रहता हूँ न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए, और बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और डेटा मिल सकता है हमें इंटरनेट से, जो मेरी क्यूरियोसिटीज को, जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं अंदर, उन सबको सेटिस्फाई कर सके. विद अ कपल ऑफ क्लिक्स ऑन google.com आई कैन गेट एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. मीन्स सिर्फ क्लिक करने की देर है, डबल क्लिक करो सिर्फ google.com पे, तो हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मुझे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की वहां से मिल सकती है, इंटरनेट से, गूगल से. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लाइब्रेरी एंड डिगिंग माई सेल्फ एमंग टन्स ऑफ बुक्स, आई सिंपली विजिट अ सिंगल साइट एंड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. मीन्स कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर मुझे जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अब ग्लोबल वार्मिंग को जानने के लिए मुझे बहुत सी बुक्स देखनी पड़ेंगी उसका सही मीनिंग देखने के लिए, क्योंकि छोटी क्लासेस में सिर्फ उसको, उसके बारे में थोड़ा सा बताया होगा, जैसे जैसे लेवल्स हाई होके जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा डिटेल में भी बताया जाता है, तो हमें इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या इतनी ज़्यादा बुक्स वहाँ पर ढूंढनी पड़ेंगी लाइब्रेरी में जाके या कहीं पर भी, कि किस बुक में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमें मिल सकता है. लेकिन वहाँ जाने के बजाय अगर हम इंटरनेट पर सर्च करें, तो हमें वो वहीं पे बैठे हुए विद इन फ्यू सेकंड्स ही हमें वो सब की सब चीज़ें, जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड जो जो चीज़ें भी होगी, वो सब इंफॉर्मेशन हमें एकदम मिल जाएगी वहीं से. मीन्स एक जगह पे बैठे हुए ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. डिगिंग माई सेल्फ एमंग टन्स ऑफ बुक्स, डिगिंग माई सेल्फ मीन्स इतनी ज़्यादा बुक्स में अपने आप को मीन्स सराउंड कर लेना या उनके बीच में घुस जाना, इतने ज़्यादा बुक्स के बीच में, बुक्स के बीच में इन द सेंस कि इतनी ज्यादा बुक्स को छानना कि किस में से कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. द इंटरनेट रियली हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, इंटरनेट ने मुझे बहुत हेल्प किया है कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके. नाउअडेज़ देयर आर मैनी वेबसाइट्स दैट ऑफर इंग्लिश लर्निंग मटीरियल इन मैनी फॉर्म्स लाइक ई बुक्स, ऑडियो बुक्स एक्सेट्रा. मीन्स आजकल बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इंग्लिश लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, मीन्स इंग्लिश लर्निंग के लिए बहुत सा मटेरियल प्रोवाइड करती हैं. वो मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ई बुक्स की फॉर्म में, ई बुक्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मीन्स जो तुम फोन के थ्रू या कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू पढ़ते हो, और ऑडियो बुक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं. ऑडियो बुक्स मीन्स जो जिनको सुन के तुम अपनी इंग्लिश जो है वो सही कर सकते हो. और भी बहुत तरीके हैं कि हम इंग्लिश लर्न कर सकते हैं इंटरनेट से, बहुत सी वीडियोस वगैरह भी होती हैं, जैसे यूट्यूब पे तुम देखते हो इतनी सारी वीडियोस वगैरह होती हैं वहाँ पे, या अलग अलग लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, उनके थ्रू हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी वर्ल्ड में किसी भी टीचर के साथ, और उससे पूरी इंग्लिश लर्निंग पूरा कोर्स भी कर सकते हैं या इंग्लिश लर्निंग सीख सकते हैं. कंक्लूजन, टू सम अप, द इंटरनेट इज माई फेवरेट हॉबी that provides me with knowledge, helps me to improve English and offers me a lot of friends also. Means to sum up, means pura collaborate karte hue bola jaye to internet jo hai meri favorite hobby hai jo mujhe bahut si knowledge provide karti hai, meri English improve karti hai and bahut se mere internet ke through mere bahut se friends bhi ban chuke hain. So I can say that it is the only way which gives me recreation and enhances my vocabulary. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंटरनेट एक ऐसा वे है, नेट सर्फिंग एक ऐसा वे है जो मुझे recreation means relaxation देता है और enhance करता है मेरी vocabulary को. Enhance means strong करना या सही करना, vocabulary को भी strong करता है. It is well said by John Allen Pauls. जॉन एलन पॉल्स ने क्या बोला है, द इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइब्रेरी, इट्स जस्ट दैट ऑल द बुक्स आर ऑन द फ्लोर.
मीन्स इंटरनेट जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। मीन्स ये इस तरह से है कि सारी की सारी बुक्स जो हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं, फ्लोर पर पड़ी हुई हैं, कि तुम एकदम से कोई भी बुक उठा के देख सकते हो, कोई भी चीज़ चाहिए तुम्हें एकदम से उठा के वहां से पढ़ सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो।